हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिग फार्म सीरीज। तो गाइस यहाँ पे हमने जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट कर रखी है सोयाबीन्स, विच आर दीज थ्री फील्ड्स 1, 2 और 8। नाउ ये गेम प्ले जो है वो मैं दोबारा फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला गेम प्ले जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि हमारे पीसी साहब जो हैं, मतलब जो भी है साहब हैं, मैंने विंडोज़ नहीं इंस्टॉल किए थे तो उसकी सेटिंग्स चेंज नहीं की, तो रिकॉर्डिंग भैया सारी हो गई ख़राब, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज़ कर रही थी, तो इस वजह से जो है वो फॉर सम रियली स्ट्रेंज रीज़न वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी। तो इतने लैग वाला गेम प्ले अपलोड करने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं जो है वो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ। तो आधे घंटे की, मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, जो कि ज़ाया हो चुकी है, और उसमें मैंने काफ़ी काम भी किया था। हमने भाई फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी दिनों के बाद ये गेम प्ले आ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि मैं गेम भी नहीं इतने दिन से खेल रहा था। मैं गेम पर्सनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खेल रहा था। तो हमने इनमें इन दिनों में मैंने किया क्या कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो सबसे बड़े वाला फील्ड है जिसको हम करंटली हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ना हमने कॉर्न प्लांट की थी काफ़ी ज़्यादा, और जो भी हमने कॉर्न प्लांट कर रखी थी उसको हमने उसका हमने चाफ बनाया, चाफ बना के जो है वो अनलोड कर दिया साइलो बंकर में। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है वो चाफ भी मिला इस फील्ड में से, ठीक है, बिकॉज इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट फील्ड इन दिस मैप और ये सबसे बड़े वाला फील्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप न्यू करियर स्टार्ट करते हो तो ये फील्ड आप ही के पास होता है, तो यू आर दी ओनर ऑफ दिस फील्ड। तो अभी हमने इसी फील्ड के ऊपर जो है वो सोयाबीन्स प्लांट कर रखी है, दो हमारे पास और फील्ड थे उसके ऊपर भी सोयाबीन्स प्लांट कर रखी है, दो हमारे पास जो है फिर ग्रास के फील्ड थे। अच्छा, उनके ऊपर जो पिछला गेम प्ले था जो कि ज़ाया हो गया, उसमें मैंने क्या किया था कि जो हमारे फील्ड थे उनको मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि कई दफ़ा जो है वहाँ हमने मूव कर रखा था, और फिर जो है वो उनको दोनों फील्ड्स को जो है मूव किया था। उनमें से एक फील्ड के ऊपर मैं बेस बना रहा था, थैंकफुली सारी बेस नहीं बनाई, तो एक फील्ड के ऊपर मैं ग्रास बेस बना रहा था, जबकि दूसरा फील्ड जो है उसके ऊपर अभी हमने ग्रास मूव किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बेलर उठाएंगे और अगले फील्ड में चले जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम जो है वो सबसे बड़े जो फील्ड है हमारा, इसके अंदर हम जो है वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो है वो वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर सीज़न, ताकि हम जो है वो सीजन्स का मूड जो है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सीजन्स मूड की ही प्रेपरेशन है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़, और पर्सनली मैंने सीजन्स के साथ खेला है, तो लेकिन सीरीज़ में ये पहली बार करने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा सीजन्स मूड के साथ गेम प्ले होगा। तो अभी के लिए मैं जो है वो सोयाबीन हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम जो है वो मैं फ़र्स्ट पर्सन में ही खेलूँगा बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, और वैसे भी ज़्यादातर लोगों को जो है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ फ़र्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव में ही देखना पसंद है। तो वो जो सामने वाला फील्ड आपको नज़र आ रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फील्ड है, और उसके ऊपर भी हमने जो है वो सोयाबीन्स ही प्लांट कर रखी हैं, दैट मीन्स वी विल हार्वेस्ट दैट फील्ड एज वेल। अभी यार मैं आधा हेडर ऐसे साया क्यों कर रहा हूँ, तो मे बी बिकॉज हमें आदत नहीं है, ठीक है, यूज़ करने की थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, और काफ़ी बड़ा जाइगेंटिक किस्म का फील्ड है। और एक इस फील्ड के साथ थोड़ा सा एरर भी है कि इसमें क्या होता है कि मैंने इसको मल्टीपल टाइम जो है वो फर्टिलाइज करने की कोशिश की, लेकिन इसका स्टेटस जो है वो 0% फर्टिलाइज्ड ही हो रहा है शो, तो पता नहीं अब ये फर्टिलाइज हुआ भी है या नहीं। लेकिन अगर हम मैप के अकॉर्डिंग इसका स्टेटस जो है वो चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये फील्ड जो है वो फुली फर्टिलाइज है। अदरवाइज़ अगर हम वैसे जो इन फील्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग देखें तो भैया ये वाला फील्ड जो है वो फर्टिलाइज है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मे बी कि ये कोई जो है वो ग्लिच हो, ठीक है, और फिक्स हो जाए। तो चिलिंगटन वैली वैसे तो मतलब बहुत ही अच्छा ये मैप है, अदरवाइज़ में मुझे कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आई, लाइटिंग बिल्कुल फिट है एकदम से और सारा कुछ ठीक है, लेकिन यही एक फर्स्ट ग्लिच है विच आई जस्ट इनकाउंटर्ड, और मैं जो है वो पहला ग्लिच है जो फेस कर रहा हूँ इस मैप में। तो ये तो फील्ड भैया काफ़ी बड़ा है और इसको तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगने वाला है,
तो कोशिश मैं यही करूँगा कि अभी यहाँ पे मैं कोई हेल्पर वगैरह हायर कर दूँ, जैसा भी है कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हेल्पर और ये वाला फील्ड हार्वेस्ट कर देगा, और हम जो है वो फिर खुद कोई और काम कर लेते हैं, बिकॉज़ काम काफ़ी ज़्यादा है। और होपफुली अगर सभी कुछ ठीक चलता रहा तो हम एक दो गेम प्ले के बाद जो है वो सीजन्स मोड जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज़ अभी जो है वो टोटली हम लोग जो है वो स्टार्टिंग में हैं। तो मैं नहीं मतलब कि चाहता कि हम सीजन्स मोड में फिर, क्योंकि एक तो मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है सीजन्स मोड के साथ खेलने का, खेल मैं इसलिए रहा हूँ सीजन्स मोड इस बार क्योंकि भैया आपको पता ही है कि फार्मिंग सिमुलेटर 22 है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीजन्स मोड आएगा जो कि आप बंद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर डेफिनेटली सीजन्स के साथ ही खेलेंगे और मज़ा भी फिर उसका जो है वो सीजन्स के साथ ही आएगा, क्योंकि जायंट सॉफ्टवेयर वाले खुद जो है वो उसमें सीजन्स मोड ऐड करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग ही होगा। तो यहाँ पे हम हायर करने की कोशिश करते हैं हेल्पर को, जो कि सही नहीं पकड़ा है इसने रास्ता यहाँ पे। ओके, यहाँ अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक जा रहा है। वेल लेट्स जस्ट होप कि ये ठीक ठाक ही जाए, ठीक है। और ये अभी भरेगी या नहीं आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो हम जो है वो अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं। तो अगला ट्रैक्टर हमारा ये है और इसके ऊपर जो है वो हम ग्रास की बेल्स बना रहे हैं ना। आई मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा हे बेल्स ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है। और हे बेल्स का तो ये भी है कि अगर आप चाहें तो उनको परचेज़ भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट परचेज़ ग्रास बेल्स। ग्रास बेल्स जो है वो आपको बनानी ही पड़ेंगी अनलेस यू आर यूजिंग अ मूड, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई इस तरह का मूड यूज़ नहीं कर रहा कि जिसमें जो है वो मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं ग्रास बेल्स भी परचेज़ कर सकूँ। सो दैट्स द रीज़न कि मैं हे को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा, और हे बेल्स भी बनाई हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई। तो अभी मैं फार्म पे जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा हमने कितनी हे बेल्स जो है वो बनाई हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी ये है कि हम जो है वो ज़्यादा ग्रास बेल्स बनाएँ। इवन दो के काउस जो है वो ज़्यादा ग्रास यूज़ नहीं करती, बट स्टिल हम मैं जो है वो चाहता हूँ कि ग्रास ही हम बना लें ज़्यादा बेल, क्योंकि अगेन क्योंकि बाद में है ना ग्रास बेल्स की ये प्रॉब्लम है कि किसी तरह भी ग्रास को जो है वो सोर्स नहीं कर सकते। तो ये न्यू फ्रूट टाइप है, इट्स इज वेट ग्रास विंड्रो, और एक प्रोबेबली हम जो है वो इस मैप में बेसिकली एक फीचर है, मल्टी फ्रूट है ये मैप। तो इसमें ये है कि अगर आप एक दफ़ा विंड्रोर यूज़ करोगे तो वो सिंपल ग्रास होगा, मतलब एक दफ़ा अगर टेडर यूज़ करोगे तो वो सिंपल ग्रास होगा, और अगर आप एक दफ़ा से ज़्यादा टेडर, दो दफ़ा टेडर यूज़ करोगे तो वो जो है वो ड्राई ग्रास हो जाएगा, तीसरी दफ़ा अगर आप मतलब कि सही जो है वो यूज़ करोगे टेडर तो फिर जो है वो भैया वो कन्वर्ट होता है हे में, ठीक है। तो ये मल्टी फ्रूट जो है वो फार्म है, तो इसमें कुछ इस तरह के पंगे शंगे हैं थोड़े बहुत। तो अभी हम चलते हैं जी यहाँ पे, और ये ट्रैक्टर है ना वैसे तो इसकी हॉर्स पावर तकरीबन ठीक ठाक है, फ्लैट एरिया पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन फॉर सम रीज़न जब ये चढ़ाई आती है तो तब इस ट्रैक्टर की ना थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। तो मैं तो बस इसको इस फील्ड में ले आया हूँ क्योंकि ये फील्ड ज़्यादातर तो जो है वो फ्लैट ही है आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे जब चढ़ाई आती है तो ये ट्रैक्टर जो है वो फिर डेफिनेटली इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इजीली जो है वो चढ़ जाए, ठीक है। तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है क्योंकि ये अपना टाइम लेता है, और पर्टिकुलरली अगर आपने पीछे कोई टूल डाला हो तो फिर तो डेफिनेटली टाइम जो है वो इसमें लेना ही है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले इस फील्ड में से जो है वो बेल्स बनाना कंप्लीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेल्स निकल आई हैं इस फील्ड में से, वैसे इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक रीज़न तो ये भी है ज़्यादा बेल्स निकलने की कि हम जो है वो ये फील्ड दो दफ़ा हमने जो है वो मूव किया हुआ है, मतलब दो दफ़ा इसके ऊपर हमने घास को काटा हुआ है, दो दफ़ा काटा था और उसको हमने कलेक्ट नहीं किया था। तो पहली दफ़ा जब मतलब कि हमने घास को काटा था तो हमने कलेक्ट नहीं किया था, वैसे ही पड़ा रहने दिया था, फिर इसके ऊपर एक दफ़ा फिर जो है वो हमने ग्रास को काटा था। तो इस तरह से जो है वो हमें थोड़ा सा बेहतर यील्ड देखने को मिल रहा है ग्रास ग्रास का, वरना इतनी बेल्स जो है वो यूजुअली निकलती नहीं होती हैं,
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन तकरीबन बैक टू बैक जो है वो बेलर्स निकल रही हैं हमारे यहाँ पे बेलर्स में से, ठीक है। तो ये जी 80% हैज़ अ फुल ग्रेन टैंक। लो जी, तो ग्रेन टैंक मतलब ग्रेन बिन जो है वो हार्वेस्टर की हमारी फुल हो चुकी है जो हमने हेल्पर हायर किया था। तो अभी हम चलते हैं, उसको भी हमने जो है वो करना है एम्प्टी हार्वेस्टर को भी, ताकि भैया हमारा हेल्पर जो है वो रुक ना जाए, क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और हमने जो है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट करना है, तो हेल्पर जो है वो अगर लगा ही रहे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और ये रहा जी ट्रैक्टर, और अनफॉर्चुनेटली पाइप का मुंह जो है वो फील्ड की तरफ ही है, मतलब क्रॉप्स वाली साइड की तरफ ही है, तो शायद हमें हार्वेस्टर को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़े, अदरवाइज़ वी माइट लूज़ सम ऑफ आवर क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप्स को ज़ाया ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें जो है वो हार्वेस्टर को थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा अदरवाइज़, या फिर हम ट्रैक्टर को फसलों के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कोई एक काम तो जो है वो करना ही पड़ेगा, तो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि हार्वेस्टर को थोड़ा सा बैक ले आएँ, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक ठाक सफाई से ही हार्वेस्ट कर रहा है हेल्पर मियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर को खड़ा कर लेते हैं और ख़ुद हम चलते हैं हार्वेस्टर में, हेल्पर को फायर करते हैं। ओके ओके ओके, ओ, अरे भैया ये तो डिज़ास्टर होने वाला था, बच गए। तो फ्रंट से भी कुछ इतना अच्छा ना दिख नहीं रहा। इस हार्वेस्टर का पाइप शॉर्ट है, मेरे ख्याल से हमें इस हार्वेस्टर को शॉप पे ले जाके देखना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस हार्वेस्टर के साथ ऑप्शन था कि हम जो है वो का पाइप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम अगर हेडर जो है वो बड़े वाला यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमें जो है वो इसका पाइप भी एक्सटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये देखो पाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और अटक रहा है साथ में। अगर चलती हुई हार्वेस्टर को खाली करना हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो अभी इसकी अनलोड स्पीड भी तकरीबन तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लो ही है, और ये सोयाबीन्स का टेक्सचर आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहे चना चने चने लग रहे हैं मुझे, तो सोयाबीन्स कम लग रही है, मे भी शायद होती है ऐसी है। ओके हार्वेस्टर जो है वो हमारी हो चुकी है जी एम्प्टी। अभी हम इसको एंगेज करते हैं दोबारा से हेल्पर को यहाँ पे, एंड आई जस्ट होप कि अच्छे से वो रूट अपना फॉलो कर ले दोबारा। ओके तो गुड हो गया जी, होपफुली आते हुए हार्वेस्टर यहाँ पे अटकने के चांस तो नहीं है, और मे भी हमने थोड़ा सा ये देखो इसका पाथ चेंज कर दिया है। यस डेफिनेटली, अबे ये तो कांड हो गया ना ये तो ऐसे ऐसे जाता जाता मतलब अच्छा खासा काम खराब कर देगा ये तो। आई एम सॉरी फॉर नॉट यूजिंग दिस स्टीयरिंग व्हील, अभी यूज़ कर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा मतलब कि कीबोर्ड के साथ ही खेलना शुरू हो गया। अभी इसको थोड़ा सा सीधा करके तो भैया लगाना पड़ेगा ना, ये तो बिल्कुल भी काम ठीक नहीं था पहले तो। चल भी बेटा अभी सीधे रास्ते जाना, एंड आई थिंक कि ठीक ही जा रहा है इस बार, ठीक है। लेट्स जस्ट होप फॉर गुड। अभी हम चलते हैं वापस अपने दूसरे ट्रैक्टर में, विच इज़ एयर, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर हो चुके हैं। तो बेलर जो है वो पहले तो हम दूसरे फील्ड में जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे फील्ड में जो है वो वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी बेल्स बनानी है। तो हम बेलर जो है एटलीस्ट उसको लेके चलते हैं अपने सेकंड फील्ड में, जहाँ पे ऑलरेडी हमने ग्रास जो है वो घास जो है वो काट रखा है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आजकल के ड्राइविंग जो है वो एटलीस्ट काफ़ी हद तक रियलिस्टिक रखूँ, ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के साथ फिर है ना, ज़रा सी भी अगर चपली बचती है ना, मतलब कोई मिस्टेक होती है, तो मुझे खुद मतलब कि वो बड़ा अजीब लगता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ओके तो जी अभी हमने जाना है यहाँ से इस तरफ को, ठीक है।
और आई जस्ट होप कि हम जो है वो सीधे रास्ते ही जा रहे हैं। यस, आई डू रिमेम्बर, यही रास्ता है जी हमारा, और यहाँ पे करीब ही है फील्ड हमारा। लेकिन उस तक जाने के लिए क्या हम वैसे इस रास्ते से जा सकते हैं? नेवर चेक्ड। और अभी हम चेक कर लेते हैं, लाइव टेस्ट ही कर लेते हैं, या तो हम अपने फील्ड में पहुँच जाएंगे या फिर कहीं पे गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। आई जस्ट होप कि हम अपने फील्ड तक ही पहुँच जाएँ तो बेहतर होगा। और ये टाउन तकरीबन बीच में ही पड़ रहा है। आई जस्ट यस 100% हम अपने फील्ड तक पहुंच चुके हैं जी इस रास्ते को यूज़ करते हुए। और हम जा तो उस साइड से भी सकते थे, लेकिन वहाँ से फिर हमें फैंस जो है वो फलांगनी पड़नी थी, ठीक है, विच इज़ आई गेस नॉट गुड। तो अच्छा, अभी हम करेंगे क्या कि क्योंकि ये है ना बेस जो बाकी के है ना, वो मैं खुद पर्सनली जब खेलूँगा गेम तो बना लूँगा, मतलब ये इस फील्ड में से जो भी हमने बेस बनानी है, जब मैं गेम थोड़े से पर्सनली खेलूँगा तब बना लूँगा। फिलहाल आप लोगों को बोरी सब जाने के लिए और मल्टीटास्किंग थोड़ा सा आने के लिए हम जो है वो यहाँ पे बेल कलेक्टर ले आते हैं और बेल्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं जो हमने उस फील्ड में बनाए हैं, ठीक है। तो पहले हम वो वाली बेल्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे अभी स्पीड चेक करो गाइस इस ट्रैक्टर की, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला ही सीन हुआ पड़ा है। अभी मुड़ जा, ओए शिट। ये भाई काफ़ी ज़्यादा जूम आउट कर रखा है मैंने। अच्छा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट गेम प्ले में है ना हम इंडिकेटर्स के भी बटन्स जो हैं वो स्टीयरिंग व्हील पे सेट कर लें, ताकि फुल शशके वाली ड्राइविंग हो, और होम वाला जो मतलब बीकन्स वाला बटन है वो भी हम जो है वो इसी पे ही सेट करें। ओके, तो अभी मुझे याद आया कि फॉर सम रीज़न मैंने रीसेट करा था ये वाला बेल कलेक्टर, तो ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो ये समझ से बाहर है कि ये यहाँ पे क्या करने आया। मैंने तो इसको रीसेट किया था, लेकिन रीसेट होने के बाद ये आ चुका है यहाँ पे, और मैंने फिर दोबारा कोई इतना गौर नहीं किया कि ये यहाँ पे क्यों आया। कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला सीन है। ओके, तो ये हो चुका है जी हमारा कनेक्टेड। अभी हम चलता है और बेल्स कलेक्ट करता है। तो जो दूसरे वाला फील्ड है जिसमें से अभी हम लोग आए हैं बेल्स बना के, उस तक जाने के लिए यहाँ पे एक हमारे फार्म के थ्रू भी एक रास्ता जाता है, जो कि अभी मैं वही यूज़ करूँगा, वो वाला रास्ता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है हमारे फार्म के ऊपर, और वो है प्रेशर वाशर। व्हीकल्स हमारी गंदी हो रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक जो है वो प्रेशर वाशर इंस्टॉल नहीं करवाया। मे बी अगर हो कहीं पे फार्म पे पड़ा हुआ तो मैंने तो नहीं फ़िलहाल देखा, हो सकता है कि कहीं पे ऑलरेडी पड़ा हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो। और हमें शायद पर्सनली खुद ही इंस्टॉल करना पड़े, बाय करना पड़े। वो इतना महंगा है नहीं, लेकिन बस याद नहीं रहता ना उसको। ओके, तो एक यहाँ पे हमारे पास है जी स्ट्रॉ बेल, तो हम एक साइड से पिक करना शुरू करते हैं। अब स्ट्रॉ बेल का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो इसको नहीं यहाँ पे छोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से हम इसके अंदर बैठ के भी जो है वो फर्स्ट पर्सन में भी बेसिकली इजीली बेल कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले मिरर में देख के तो इसमें कुछ इतना खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस मैं एक मतलब के अंदाज़े के मुताबिक ही जो है वो ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो ये है जी प्रॉब्लम इस ट्रैक्टर की कि एक तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप किस्म की चढ़ाई है, और ऊपर से इस ट्रैक्टर में कुछ पावर भी कम है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या रहा है यहाँ पे कि इस ट्रैक्टर से यहाँ पे जोर नहीं लगता, और यहाँ पे स्पीड हमारे काम करने की हो जाती है बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे अगेन अभी यहाँ पे देखो डाउन द हिल जा रहे हैं, तो ठीक है, ये मतलब बहुत ही अच्छा है ये ट्रैक्टर,
या फ्लैट सरफेस पे भी इसका मतलब कोई फ्लैट है जगह तो वहाँ पे भी इसकी ड्राइविंग ठीक ठाक है। वहाँ पे चढ़ाई ही बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, कि ये ट्रैक्टर बेचारा नन्ना मुन्ना सा ट्रैक्टर है तो इससे जो है वो काम नहीं होता वहाँ पे। वैसे मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से एक बड़ा ट्रैक्टर जो है वो बाय कर लेना चाहिए अगर हमारे पास बजट हुआ तो। फ़िलहाल तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि विदाउट चीटिंग हम आगे चलें, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो बहुत कुछ परचेज़ कर चुके हैं और ऑलरेडी हम एक मतलब कि लिम एक बजट लेके चल रहे हैं, तो इसको अभी मैं मज़ीद जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता किसी भी तरह। ओके जी, तो ये हमारा हो चुका है जी फुल। अभी हम इसको अनलोड करते हैं। थैंकफुली इस बार ये बेल कलेक्टर जो है वो रिट्रैक्ट हो गया है इसका पिकिंग आर्म। पिछली दफ़ा मुझे याद है हम अटालिया लाइट खेल रहे थे तो ये इसका आर्म रिट्रैक्ट नहीं हो रहा था, मतलब क्या वो अजीब ही सीन था यार। ओह, बड़ा तंग किया था इस वाले बेल कलेक्टर ने। बग्स हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 में भी भैया, बहुत से बग्स हैं, लेकिन ये अभी डेवलपर्स का जो है वो काम बनता है कि इनको फिक्स करें प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो एरिया है, ये डिब्बा सा बना हुआ है इसको मैं फ़िलहाल बेल स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये असल में किस मकसद के लिए यहाँ पे बनाया है। हो सकता है कि ओरिजिनली भी यहाँ पे बेल्स ही आनी हो, लेकिन मैं तो भैया फ़िलहाल इसको बेल स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर इसमें बेल्स अनलोड नहीं भी होनी। उधर हमारा हेल्पर जो है वो बार बार अपना टैंक फुल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको ना हम थोड़ा सा परफेक्टली रिवर्स करें ताकि बाद में हमें बेल्स उठाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो। ये ना हो कि अगर रिवर्स करने के दौरान ही हम कोई मिस्टेक कर दें और फिर बाद में यहाँ पे बेल्स पड़ी हुई लगें भी बदसूरत और उनको उठाने में भी कोई प्रॉब्लम हो हमें, तो ये चीज़ तो भैया डेफिनेटली नहीं चाहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल साथ लगा के, ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा है स्पैक अच्छा लग गया हमारा। ओके जी, तो हार्वेस्टर फुल होने वाली है, उसको हम कोशिश करते हैं कि अभी इसका पाइप अगर इस तरफ आता है तो इसको हम जो है वो एक बार फिर से एम्प्टी कर लें ताकि हेल्पर जो है वो अपना काम जारी और सारी रखे और किसी किस्म की इसमें जो है वो ब्रेक ना हो। काम जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा थे करने वाले, लेकिन अब क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे ज़ाया हो गई तो एक तो हमारे पास जो है वो वैसे काम करने के लिए कम बच गए और कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी हैवी हो रही है यहाँ पे यार यकीन करो, मतलब बड़ा ऑकवर्ड और गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत, इतनी मेहनत जो है वो एकदम से ज़ाया हो जाए विदाउट एनी रीज़न। तो अभी आपको जो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इसका पाइप जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो ये भर ही चुका है अभी, तो ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक तो हम इसका ऑफिशियल हेडर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई ओरिजिनल हेडर था नहीं, सिर्फ हार्वेस्टर ही थी, तो ये मतलब कि अभी तकरीबन प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल आपको ना इसको साथ लगा के जो है वो हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो अगेन इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू फिल अप और ये एम्प्टी होने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। चल, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा टिप्पर भी जो है वो भरने वाला है। यस यस डेफिनेटली, अभी देखते हैं हार्वेस्टर पहले एम्प्टी होती है या हमारा टिप्पर पहले भरता है। होपफुली हमारा टिप्पर जो है वो भैया सबसे पहले जो है वो भर जाएगा, तो इसको जो है वो मैं सेल नहीं करने जा रहा। तो यहाँ पे देखो अभी वो ब्लॉक हुआ पड़ा था हेल्पर, ठीक है, जिस तरह से हमने ट्रैक्टर खड़ा किया था तो हेल्पर हमारा जो है वो ब्लॉक हुआ पड़ा था, तो ये तकरीबन प्रॉब्लम आ रही है। और एक अभी मैं सोच रहा था
इस वाले ट्रैक्टर के टायर मैं अभी चेंज कर लूँ, क्योंकि हमने जो है वो इसको अभी यूज़ नहीं करना फील्ड वर्क के लिए। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि अभी हमने हार्वेस्ट कर लेनी है क्रॉप्स, तो उसके बाद हमें फील्ड को अगेन जो है वो ग्लो वगैरह इसके ऊपर यूज़ करने ही पड़ने हैं। तो फिर मैंने जो है इसको यही वाले ट्विन टायर कन्फिग्रेशन ही लगी रहने दी, क्योंकि ट्विन टायर कन्फिग्रेशन जो है वो ज़्यादा फील्ड वर्क के लिए यूज़ होती है। अगर आपने नॉर्मल हाउलिंग के लिए या टिपिंग के लिए यूज़ करना है ट्रैक्टर, तो फिर ट्विन टायर कन्फिग्रेशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। और ट्विन टायर कन्फिग्रेशन फील्ड वर्क में भी ज़्यादा जो है वो अगर आपने कल्टीवेटर यूज़ करना हो या क्रॉप्स प्लांट करनी हो तभी जो है वो सूटेबल रहती है। अदरवाइज़ प्लोइंग के लिए भी कोई ट्विन टायर कन्फिग्रेशन ठीक नहीं है। और जस्ट इन केस अगर आप कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ होती हैं प्लोइंग में भी, जैसे कि डीप प्लोइंग होगी, तो उसमें भी जो है वो ट्विन टायर कन्फिग्रेशन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि अगेन उसमें आपका ट्रैक्टर जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ होता है ऑलरेडी, तो ट्विन टायर जो है ना वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उस ट्रैक्टर मिनोवर करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो लेट्स अनलोड हर सोयाबीन्स है, और इनको मैं डेफिनेटली जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेल नहीं करूँगा, तो इनको हम स्टोर कर लेंगे जब प्राइस हाइक हुई या जब हमें लगा कि पैसों की ज़रूरत है या फिर कभी ग्रेट डिमांड लगी, तो हम जो है वो इनको ज़रूर सेल करेंगे। तो होपफुली गाइस आज का गेम प्ले आपको जो है वो पसंद आया होगा। अभी जो इतना ज़्यादा हमारे पास क्रॉप्स हैं इनको हम इस गेम प्ले में पूरे में तो हार्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ एरिया काफ़ी ज़्यादा है और इतनी लंबी वीडियो जो है वो बनाना मेरे लिए भी बन तो जाएगी, लेकिन इसको अपलोड करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो आई जस्ट होप कि आपको गेम प्ले जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपकी इस चैनल के रिलेटेड या वीडियो के रिलेटेड किसी किस्म की सजेशंस हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।